कठुआ के हीरानगर कंडी क्षेत्र के सैडा सोहाल गांव में आतंकियों का हमला किया गया है, जिसमें फायरिंग की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैडा सोहल गांव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। आतंकियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाने की कोशिश की, विरोध करने पर फायरिंग की। उसके बाद किसी तरह से परिवार वालों ने घर से निकलकर सुरक्षा बलों की को सूचना दी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। ADGP जम्मू आनंद जैन ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। ऑपरेशन जारी है। हीरानगर में आतंकियों की गोलीबारी में घायल हुए दो नागरिकों को इलाज के लिए GMC कठुआ अस्पताल में लाया गया है। एक मिनट क्या हुआ है? आप चलो यार, वो आपको तो मारा चल दिया। तरीके से जो है हम जो है वो बदला लिया जाएगा और अपनी टीम को जो है और युवा साथी जोड़ के हम जो है इन पे काम करेंगे। हमला हुआ, कितने लोग थे, कितने लोग घायल हुए? भाई साहब 7:55 में ये लोग गांव में एंटर करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग जो है ये चला देते हैं। उसके बाद जैसे ये रात का आप देख रहे हैं जंगल का क्षेत्र है सारा, और जैसे आनन फानन में जब लोगों ने फायरिंग सुनी तो वो अपने अपने घरों में जो है वो चले गए। उसके बाद कुछ लोगों के साथ हमारा संपर्क जो है यहाँ से 300 मीटर जो अंदर है उनके साथ संपर्क हो रहा था, तो एक जो है वो मिलिटेंट जो था उसमें टेररिस्ट वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अभी जो है बाकियों का कुछ पता नहीं चल रहा। नगर के थाना के क्षेत्र का है इस उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रही है। सर होस्टेज वाला भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया। सर,